हेलो दोस्तों, दोस्तों मेरा नाम है प्रमोद राणा। तो दोस्तों यार स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टेक प्रमोद में। तो दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुष्का सेन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अनुष्का सेन को कौन नहीं जानता, आजकल टीवी एक्ट्रेस हो चुके हैं आजकल वो। जैसे दोस्तों आपको पता है कि बालवीर से पहचान बनाने वाली अनुष्का सेन का अब नया शो आने वाला है। ये दोस्तों इस वीडियो में उसी शो के बारे में बात करने वाले हैं कि कब शो आ रहा है और कब से इसकी शूटिंग चालू होने वाली है और किस चैनल पर ये आने वाला है। तो दोस्तों यार ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। और दोस्तों यार आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार यहाँ पर रेड का बटन आ रहा होगा, यहाँ पर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी अनुष्का सेन जी के फ़ैन है। जी हाँ दोस्तों, हम चलते हैं आगे की न्यूज़ पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि अनुष्का सेन का नया शो आने वाला है जिसका नाम है अपना टाइम भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, इस शो का नाम होने वाला है अपना टाइम भी आएगा और यहाँ पर यह है क्लास से संबंधित होने वाला, मतलब स्कूल लाइफ जैसे होती है वैसे होने वाला है। ये शो काफ़ी पॉपुलर होने वाला है क्योंकि अनुष्का सेन काफ़ी से फेमस है और मुझे लगता है इनकी फिल्म इन्हें फिल्म में भी काम मिल सकता है बड़ी ही आसानी से। अब किसी दिन की मूवी भी आ सकती है। तो जैसे कि आपको पता है कि बालवीर के बाद इनका कोई भी शो नहीं आया है। जैसे कि अनुष्का सेन जी ने बताया है कि अपने किरदार के बारे में बताते हुए बताया कि अनुष्का सेन ने साझा किया है, मैं काफ़ी उत्सुक हूँ क्योंकि यह शो समाज में वर्ग वादाओं और प्रासंगिक मुद्दे को संबोधित करता है जो अब भी प्रचलित है। शो में ऐसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों के बारे में बात करना समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि टीवी धारण करता है कई को प्रभावित करने की शक्ति है। इस तरह के उदार फैशन में उतारी गई रानी की भूमिका पर निबंध और जीवन में बहुत महत्वाकांक्षी है, कुछ ऐसा है जो और वास्तव में आगे दिखा रहे हूँ। यह ऐसे चरित्र हैं जो बहुत सारी लड़कियों को आशा देते हैं जो महत्वाकांक्षी हैं और चाहते हैं जीवन में चीज़ें हासिल करें, उसने कहा। प्रीति वोहरा ने रानी के पिता रामधीर पर निबंध लिखा। फरमान खान एक शाही परिवार के बड़े बेटे और पेशे से डॉक्टर वी राघव की भूमिका में हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ शो की यहाँ पर बातें बताई गई हैं कि इसमें कौन कौन किरदार होने वाले हैं। और दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अब इसके पार्ट टू बनाने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में बताओ हमें कि इसका पार्ट टू लाएँ या नहीं लाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।